Hello children, this video is based on the chapter Tribes, Nomads and Settled Communities. In this video, I am going to discuss extra question answers and my main focus is on the very short question answers. Let us start the video. Question number 1. Provinces in Gond Kingdom were known as गोंड किंगडम में जो प्रोविंस होते थे प्रदेश होते थे उन्हें जाना जाता था ग्रह के रूप में उनका नाम होता था. नेम द प्रोविंसेस इन गोंड किंगडम वर नोन एज गोंड किंगडम में प्रोविंसेस यानी कि प्रदेश जाने जाते थे गढ़ के रूप में गढ़ और हिंदी में गढ़. नेम द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन वेयर द गोंड्स लिव्ड. उस विस्तृत वास्ट का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज. जो फॉरेस्ट वाला रीजन था एरिया था जहाँ गोंड्स रहते थे उसका नाम था गोंडवाना. द ट्राइब दैट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल होता है प्रभावी ड्यूरिंग द 13th and 14th century इन पंजाब. पंजाब में जो ट्राइब 13th और 14th century में सबसे ज़्यादा प्रभावी थी कौन सी थी? खोखर्स. ड्यूरिंग द मुगल रूल द बलोचिस ट्राइबल्स लिव्ड इन द मुगल रूल के दौरान बलोचिस ट्राइबल्स रहते थे कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में. द गोंड किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू गोंड किंगडम बटा हुआ था किसमें? गढ़ यानी कि गढ़ में. वेस्टर्न हिमालयन ट्राइब ऑफ गाडीज अर्न देयर लिविंग एज शेफर्ड. जो गाडीज ट्राइब के वेस्टर्न हिमालय के लोग थे वो अपनी जीविका शेफर्ड के रूप में कमाते थे. ये बिल्कुल सही है, ट्रू. नेम द नोबल इन मुगल कोर्ट अपॉइंटेड बाय अकबर. अकबर के द्वारा अपॉइंट किए गए नोबल का नाम बताइए जिसे मुगल कोर्ट में अपॉइंट किया गया था. वो था कमल खान. हाउ डिड द वेस्टर्न हिमालयन ट्राइब ऑफ गाडीज अर्न देयर लिविंग. जो वेस्टर्न हिमालय के ट्राइब थी गाडीज की वो अपनी जीविका कैसे कमाते थे? बाय रियरिंग एनिमल्स जानवर पालकर, क्योंकि वो शेफर्ड थे, गडरिये जिसे कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द अकबरनामा के अनुसार द गोंड किंगडम हैड विलेजेस. गोंड किंगडम में विलेजेस थे कितने? 70,000 विलेजेस. राजास डोनेटेड लैंड टू ब्राह्मण्स टू एग्जिबिट देयर पावर. राजा ब्राह्मणों को लैंड दान में देते थे अपनी पावर दिखाने के लिए. बिल्कुल सही है ये. हु वॉज चंद्रशाह. चंद्रशाह कौन था? चंद्रशाह वॉज द अंकल ऑफ वीर नारायण. वीर नारायण के चाचा थे, द सन ऑफ रानी दुर्गावती, जो कि रानी दुर्गावती का बेटा था. व्हाट इज द नेम ऑफ भुयांस. भुयांस का मीनिंग क्या होता है? लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार होता है. हु वर पैक्स फोर्स्ड लेबर इन अहोम स्टेट. अहोम स्टेट में जो बेगार करने वाले मजदूर होते थे यानी कि बेगारी जिसे कहते थे उसे पैक्स कहते थे. नेम द मुगल एम्परर. मुगल एम्परर का नाम बताइए इन हुज मेमोर द बंजारा ट्राइब इज डिस्क्राइब. जिसकी मेमोर में यानी कि जो उसने याद करके बातों को अपनी बुक लिखी है उसे मेमोर कहते हैं. जिसमें बंजारा ट्राइब का जिक्र किया गया है वो है जहांगीर. शिव सिंह वॉज द ट्राइबल चीफ ऑफ. शिव सिंह ट्राइबल चीफ था, सरदार था किसका? अहोम का. हु सबड्यूड द चैरोस. चैरोस को किसने दबाया, किसने उसका दमन किया, हराया? वो था औरंगजेब. इन अहोम सोसाइटी खेल वॉज रेफर टू एज. अहोम सोसाइटी में खेल किसके लिए प्रयोग होता था?
क्लैन के लिए, यानी कि वंश के लिए। वेगा डज द कुटिया कॉन ट्राइब्स लिव, कुटिया कॉन ट्राइब कहाँ रहती हैं? उड़ीसा में। नेम द ट्राइबल चीफ ऑफ द घक्कर ट्राइब, घक्कर ट्राइब के चीफ का नाम बताइए, कमल खान। इन द 13th एंड 14th सेंचुरी खोकर्स वर इन्फ्लुएंशियल इन द दिल्ली रीजन। खोकर्स 13th और 14th सेंचुरी में दिल्ली रीजन में बड़े प्रभावी थे? नहीं, वो पंजाब में थे। वॉट वॉज वर्ण, वर्ण क्या थे? द हिंदू सोसाइटी वो डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स, हिंदू सोसाइटी चार ग्रुपों में बटी हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे हैड टू परफॉर्म, उस काम के आधार पे जो वो काम करते थे। दिस वॉज वर्ण सिस्टम, यही वर्ण सिस्टम था, यानी कि जो पढ़ाने लिखाने का पढ़ने का काम करते वो ब्राह्मण होते थे, जो लड़ने का काम करते क्षत्रिय होते थे। तो इस प्रकार से चार वर्ण थे। हु वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नॉमड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यापार करने वाले नॉमड्स कौन थे? नॉमड्स आप जाते हैं घुमक्कड़ जातियों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं, वो थे बंजारे, अभी भी आपको बंजारे मिल सकते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय टांडा, टांडा से मतलब क्या है? कैरावान ऑफ बंजारा, जो बंजारों का काफिला होता है, कैरावान काफिला, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं, टांडा कहते हैं उसे। हु डिफीटेड चैरोज इन द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड में चैरोज को किसने हराया? राजा मान सिंह ने हराया था। वॉट वॉज बुरांजिस, बुरांजिस क्या था? द हिस्टोरिकल वर्क, ऐतिहासिक काम थे, रिटन इन द अहोम सोसाइटी, जिन्हें कि अहोम सोसाइटी में लिखा गया था और इन्हीं को बुरांजिस बोलते थे। नेम द ट्राइब दैट स्पेशलाइजेस इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स, उस ट्राइब का नाम बताइए जो ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुशल थी, वो थे बंजारा। वॉट वॉज द नेम ऑफ द शेफर्ड ट्राइब इन द वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज में जो शेफर्ड ट्राइब थी, यानी कि जो जानवरों को पालते थे, उनकी देखभाल करते थे, उसका नाम बताइए ट्राइब का, वो थे गाड़ीज। स्पेशलाइज आर्टिजन्स वर रिकग्नाइज एज सेपरेट जातीज बाय द, जो स्पेशल काम करने वाले कलाकार लोग होते थे उन्हें अलग जातियों के द्वारा जाना गया, वो थे किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। नेम द मुगल एम्परर, उस मुगल सम्राट का नाम बताइए हु फाइनली सब्जुगेटेड द चैरोज, जिसने कि चैरोज को हराया, एंड कैप्चर्ड देयर फोर्टेसेस, और उनके किले भी छीन लिए, वो था औरंगजेब। ऑन हुज बिहाफ रानी दुर्गावती रूल द किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा, गढ़ कटंगा के राज्य पर दुर्गावती किसकी तरफ से शासन कर रही थी? अपने बेटे के बिहा पर। नेम द एग्रीकल्चरल सिस्टम प्रैक्टिस बाय मोस्ट गोंड्स, जो ज़्यादातर गोंड ट्राइब के लोग थे वो कौन से एग्रीकल्चर के सिस्टम को फॉलो करते थे? वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दलपत शाह हैड मैट्रीमोनियल रिलेशंस विद द, दलपत शाह के विवाह के संबंध थे, मैट्रीमोनियल कहते हैं वैवाहिक, किससे थे? चंदेल सोप महोबा से। द अहोम्स एक्सटेंडेड द वेट रिच कल्टीवेशन इन अपर असम, अहोम ने जो वेट राइस कल्टीवेशन है उसको अपर असम तक आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही है ये। नेम द पेस्टोरल ट्राइब्स, पेस्टोरल का मतलब, पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रास लैंड से संबंधित, तो पेस्टोरल ट्राइब का नाम बताइए हु बॉट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीजेंट, जो किसानों से एग्रीकल्चर की चीज़ें खरीदते थे एंड सोल देम इन अर्बन सेंटर्स, और शहरों में जाके बेचते थे, वो थे बंजारे। भारोत वर मेड ऑफ विलेजेस, भारोत कितने विलेजेस से मिलके बनता था? 12। नेम द प्लेस वेयर द होम्स एस्टेब्लिश ए किंगडम इन द प्रेजेंट डे, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर होम्स ने आज के समय का जो जगह है वो बतानी है, अपनी किंगडम को स्थापित किया था, वो है असम। हाउ डिड द
गढ़कटंगा अर्न मच ऑफ इट्स वेल्थ। गढ़कटंगा ने ज़्यादातर अपनी वेल्थ कैसे कमाई? इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम। ये जंगली हाथियों को जाल में फंसाते थे और उन्हें दूसरे राज्यों में भेजते थे। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी धन दौलत कमाई। हु कंट्रोल गढ़, गढ़ को कंट्रोल कौन करता था? ईच गढ़ वॉज कंट्रोल बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन। एक विशेष जो गोंड वंश होता था वो एक गढ़ को कंट्रोल करता था। हु आर स्पेशलाइज आर्टिजन्स, स्पेशलाइज यानी कि कुशल कलाकारगर कौन थे, कारीगर कौन थे? स्पेशलाइज आर्टिजन्स इंक्लूड स्मिथ, इसमें ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, गोल्ड स्मिथ सुनार, कारपेंटर्स, मैसन्स मिस्त्री, ये सब थे। हु वाज चंद्रशाह, चंद्रशाह कौन था? चंद्रशाह वॉज द अंकल ऑफ वीर नारायण, ये वीर नारायण का चाचा था। वॉट इज द, चाचा या मामा कोई भी हो सकता है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ भुयांस, भुयांस का मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड्स। वेयर डज द कुटिया कॉर्न ट्राइब लिव, कुटिया कॉर्न ट्राइब कहाँ रहती है? कुटिया कॉर्न ट्राइब लिव्स इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में रहती है ये ट्राइब। वट डू अंडरस्टैंड बाय टांडा, टांडा से मतलब क्या है? कैरावान ऑफ बंजाराज वॉज कॉल्ड टांडा, जो बंजारों का काफिला होता था उसे टांडा कहते थे, कैरावान कहते काफिले को। नेम द शेफर्ड ट्राइब ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज की शेफर्ड ट्राइब को बताइए। जो गडरिए होते थे वो थे गाडीज। वॉट वॉज बुरांजिस, बुरांजिस क्या था? ये थे हिस्टोरिकल वक्त, ऐतिहासिक काम, जिन्हें बुरांजिस कहते थे। हु वॉज द चीफ ऑफ गक्खड़ ट्राइब, गक्खड़ ट्राइब का चीफ कौन था? कमल खान गक्खड़ वॉज द चीफ ऑफ गक्खड़ ट्राइब, कमल खान गक्खड़ ही गक्खड़ ट्राइब का चीफ था, सरदार था। विच ट्राइब वॉज पावरफुल इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन से ट्राइब सबसे ज़्यादा ताकतवर थी? बलोच ट्राइब वॉज पावरफुल इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बलोच ही या सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, पाकिस्तान में जिसे बलोचिस्तान कहते हैं। हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड नोमड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर यानी कि व्यापार करने वाले नोमड्स कौन से थे? द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमड्स। वैन डिड द मुगल फोर्सेज अटैक गढ़कटंगा, मुगलों ने गढ़कटंगा पे कब अटैक किया? इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा। 1565 में मुगलों की सेना ने आसफ खान के अंडर में गढ़कटंगा पर आक्रमण कर दिया। वैन डिड द मुगल्स अटैक अहोम किंगडम, मुगलों ने अहोम किंगडम पर कब अटैक किया? इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम, मीर जुमला के अंडर में मुगलों ने 1662 में अहोम किंगडम पर अटैक किया। अब अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस सिखाएंगे, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।